बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी, मज़ेदार सी, टेस्टी से चाइनीज़ राइस की रेसिपी शेयर करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और रेसिपी को अपने अच्छे से फॉलो करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ राइस की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया और इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम प्याज डाल लेंगे। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमने हरा प्याज और दूसरा प्याज भी हमने कट कर लिया, वो इसमें हमने डाल लिए। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसमें हम ये लहसुन अदरक कूटा वो डाल लेंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। सॉरी, इसमें हमने लहसुन और हरी मिर्चें कुटी हुई डाली हैं और इसको भी हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें हम साथ में चिकन डाल लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन को हमने अच्छे से भून लेना है। हमने इसको अच्छे से भून लिया, अब साथ में हम इसके मटर डाल लेंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे। ये ग्रीन प्याज कटा वो इसमें हम डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम एक चम्मच नमक ही डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तीन से चार मिनट इसको हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से फ्राई कर लिया, अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम दरद मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम ब्लैक पेपर पीसी हुई डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हम वाइट पेपर पीसी स्प्रिंकल कर लेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम मसालों के साथ 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर ली, अब इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और इसको कवर करके चिकन को अच्छे से पकने देंगे। चिकन अच्छे से बनकर रेडी हो गई है, अब इसमें हम गाजर डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ में इसके हम शिमला मिर्च डाल लेते हैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैं इसको अच्छे से हम भून लेते हैं वेजिटेबल को। में इसके हम बंद गोभी भी डाल लेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको हम वेजिटेबल को हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमने यहाँ पर चावलों के लिए पानी बॉइल कर दिया और इसमें हमने नमक भी डाल दिया। अब इसको हमने बॉइल होने के लिए रख दिया पानी को। और चावलों का पानी बॉयल हो गया, अब इसमें हम चावल डाल लेंगे। हमने इसमें चावल डाल दिए, एक दफा इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर वेजिटेबल अच्छे से पक चुकी हैं, अब इसमें हम सोया सॉस डाल लेते हैं थोड़ा सा, और साथ में हम इसमें चिली सॉस डाल लेते हैं।
अब इसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। अच्छे से बॉयल हो गए हैं, अब इसका हम एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। हमने इसमें राइस डाल दिए, अब इसमें हम वेजिटेबल डाल देंगे। हमने इसमें वेजिटेबल डाल दिए, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। हमने इसमें चावल डाल दिए, अब इसमें हम अंडे डाल देंगे। अंडे हमने बॉईल किए हुए, वो इसमें हम डाल देंगे। ग्रीन प्याज डाल लेंगे इसमें, हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम सोया सॉस डाल लेंगे, चिली सॉस डाल लेंगे। अब इसको हम दम दे देंगे, 5 मिनट का इसको हम दम देंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। चावलों में अच्छे से दम आ गए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मज़ेदार से चाइनीज राइस बनकर रेडी हो गए, बहुत ही मज़े के टेस्टी बने। कमेंट्स में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। यह आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। जज़ाकल्लाह, हाफिज़।